हाँ फेंको फेंको फेंको। ओ तेरी या, ये साग है सरसों का जी हाँ। ओहो हो भाई, वो कहते हैं ना कि आम खाओ और पेड़ नहीं गिनो, तो वो मुहावरा आज समझ में आया है कि भाई आप यहाँ बैठो, आम खाओ पेड़ नहीं गिनो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और कराची की एक अच्छी सी सुबह है। अभी फ़िलहाल तो बादल छाए हुए हैं, वैसे तो आजकल बड़ी गर्मी है। और अभी हम नाश्ता करेंगे हाईवे के ऊपर बना हुआ ये उस्मानिया रेस्टोरेंट, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त नाश्ता है। और नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे टंडोला यार, और टंडोला यार हम जाएंगे अपने दोस्त अदील के साथ। और हम क्यों जा रहे हैं भाई टंडोला यार? हम इसलिए जा रहे हैं कि आपको फलों का बादशाह से मिलवाने जा रहे हैं। फलों का बादशाह आम, आम जो है ना वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम पाकिस्तान में होते हैं और ज़बरदस्त हर तरह की वैरायटी होती है। तो जो स्पेशल खास बाग है एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले आमों के, वो आज हम विजिट करेंगे। वहाँ पे कुछ आम आम खाएंगे और कुछ वहाँ का लोकल फूड ट्राई करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। अभी हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं टंडोला यार। तो फिर चले। काफ़ी लोकल सा माहौल है भाई यहाँ पे, और बड़ा ज़बरदस्त सा सुबह सुबह का माहौल है। सुबह का जो है ना वो मंज़र ही अलग होता है। पीछे बन रहा है तंदूरी पराठा, ये बन रहा है लच्छा पराठा है भाई। हाँ लच्छा पराठा बन रहा है, ये लच्छा पराठा बन रहा है। सलाम अलैकुम भाई, ज़बरदस्त यहाँ पे रखे हुए भाई ये छोले वोले जी। क्या क्या है नाश्ते में, क्या आइटम है? दाल चना है, ये दाल चना है, ये दाल माश, ये भिंडी, और ये दाल मूंग। ये आ गया हमारा आमलेट, ये आ गई दाल मखनी, ये हमारे नॉर्मल और तंदूरी पराठे। क्या बात है, दाल मखनी में ऑलरेडी ये हमारे दो मक्खन पड़े हुए हैं, लेकिन ये आ गया चीज का स्लाइस भी डाल दिया इन्होंने। अदील भाई ज़बरदस्त सा नाश्ता आ गया है हमारा भाई, और ये मखनी जो दाल है ये भाई की रिकमेंडेशन है। अंडा घोटाला आमलेट, ट्रेडिशनल नाश्ता यही होता है, लेकिन ये इनका स्पेशल जो है वो पराठे हैं जो हमने बनते हुए भी देखे हैं, हल्का सा घी लगा के अंदर तंदूरी पराठे। बिस्मिल्लाह करें अदील भाई, ये आप चेक करें, ये है मक्खन, ये है चीज़, और ये दाल मखनी के ऊपर तड़का भी लगा हुआ है। ओहो कढ़ाई बहुत गर्म हो रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मक्खन और चीज़ से जो दाल का टेस्ट बना है बहुत आला। ये अंडा घोटाला है, और अंडा घोटाला में जो है ना वो इन्होंने प्याज और हरी मिर्च डाल के पहले उसको भून लिया, उसके बाद फिर इसमें इन्होंने अंडा डाल दिया। इसके अलावा आप ये देखें, ये पराठे हमें सिर्फ कराची में नहीं मिलते, ये पराठे तो यहीं मिलते हैं। ये तंदूरी पराठे हर जगह नहीं मिलते भाई, सही कह रहे। ये आ गई है भाई हमारी चाय, और चाय को जो इन प्यालों के अंदर चाय का मज़ा भी उससे दुबाला हो जाता है ना प्याले के अंदर पीने से। साजिद भाई है उस्मानिया पे। हाँ भाई, चाय जब तक जाए नहीं ना सिस्टम के अंदर, नहीं जब चाय सिस्टम में जाती है तो उसके बाद फिर जो है ना वो माहौल बनता है। भाई नाश्ते का तो मज़ा आ गया, जल्दी से नाश्ता फिनिश करते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे लगेंगे हमको तकरीबन पहुंचने में। ज़बरदस्त, आम जो है ना वो तो मेरा फेवरेट फल है वैसे, क्योंकि आम जो है वो इंतज़ार रहता है पूरे साल के, भाई कब आम का सीज़न शुरू होगा। और भाई जो है वो कुछ आम की हिस्ट्री बता रहे थे, क्या आप बता रहे थे भाई? देखिए आम जो है 4000 साल पुराना फ्रूट है, ठीक अच्छा। है, और ये रॉ फॉर्म में पाया गया, और इसका ओरिजिन था बरसगीर ही था। सही। 1435 में पुर्तगीज, बेसिकली जो हमारा बरसगीर है हर्ब्स के लिए बहुत मशहूर था, और पुर्तगाल जो है ये हर्फ में बहुत आगे था उस जमाने। 1433 में ये बरसगीर से आम लेकर गए, और 1451 में इसका नाम मैंगो पड़ा। अच्छा। और आम जो है ना वो फलों का बादशाह है,
हमारा इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल फूड है और बांग्लादेश का जो नेशनल ट्री है वो मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री है, तो यानी कि ये पूरा हमारा जो है ना, ये पूरा जो हमारा रीजन है पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश, मैंगो रीजन है ये बेसिकली। और ये जो हमारे दोस्त हैं अदील भाई, इनका चैनल है अदील द टूरिस्ट, और काफ़ी सारे इन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वही गांव की जो लाइफ है ना, उसका अपना ही मज़ा है। और गांव में स्पेशली बागात के अंदर, खेतों के अंदर आपने देखा होगा, मुझे जाने का बड़ा ही शौक़ है। कहीं भी मुझे फल फ्रूट के दरख्त नज़र आते हैं, टूर पे निकलता हूँ तो वो हम देख लेते हैं। और आम तो किंग ऑफ द फ्रूट्स है। ये देखो भाई, दोनों तरफ जो है ना ये बाग ज़बरदस्त से लगे हुए हैं, पीछे आमों के बाग देखें आप। और मेरे ख्याल फल उतर गए काफ़ी ज़्यादा, कुछ उतर गए क्योंकि मार्केट में फल आ गए ना, कहीं उतर रहे हैं कहीं उतर चुके हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है, कैसे खैरियत से? असद भाई ने हमको ज्वाइन कर लिया है अभी साथ साथ। असद भाई, अभी हम कितनी दूर और जाएंगे? तकरीबन 25 किलोमीटर आगे दूर चलेंगे गांव में, बिल्कुल जहाँ तक भी रोड भी आपको टूटा हुआ नजर आएगा। अच्छा, गाँव की लाइफ अलग ही है भाई, जबरदस्त। अभी पहुँचे नहीं है लेकिन जो है ना वो मज़ा अभी से आना शुरू, क्रेविंग शुरू। पहुँच गए भाई हम अपने आमों के बागात के ऊपर, और ज़बरदस्त सीन हो गया है भाई। क्या सीन है, आपने कहा था आम लटके हुए, देखो देखो आम वो रहे, वो अभी कच्चे कच्चे हैं थोड़े थोड़े। अभी आप कह रहे थे ना कि आम नहीं उतरते, आम है भाई, आम है, आम है। क्या हाल है, क्या हाल है बेटा, हाथ दे। ये आ रहे हैं भाई आम, आम उतर के आ रहे हैं पेटियों में। क्या हाल है भाई, ये पेटियों में आम आ रहे हैं, सिंदड़ी आम, ये ज़बरदस्त। ये चेक करें आप। अच्छा, ये जो है असद भाई, ये थोड़े थोड़े आम जो है वो कच्चे उतारे जाते हैं ना? जी हाँ, फिर ये पेटी में डाल के इसमें कारपेट डालते हैं, पक्के हो जाते हैं, फिर ये पकते हैं। वरना अगर बिल्कुल पक्के होंगे तो जब तक जाएंगे पहुँचेंगे मार्केट में जब तक वो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए ये थोड़े थोड़े से ग्रीन आम, इससे आम निकाल। अच्छा, तोड़ते हैं ये खूंटी से आम तोड़ते हैं, अभी हम भी तोड़ेंगे आम। बिल्कुल अलग ही सीन है भाई। और ये देखिए आप, ये मैं मुझे दरख्त के ऊपर चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे ये आम जो है, ये ज़बरदस्त सिंदड़ी आम यहाँ पे इसकी कैरी लटक रही है। एक आम ये है, एक आम ये है, हाथ बढ़ाओ और आम तोड़ लो। मतलब ऐसे लटकते हुए आम तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, बड़े बड़े सिंदड़ी आम खास तौर पे। तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सही ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बाग है माशाल्लाह। बड़े बड़े आम, सिंदड़ी आम, और ये दरख्त के आम हैं, ऊपर से लग रहा है ग्रीन ग्रीन। हम बाजार में लेंगे तो कहेंगे यार ये तो कच्चा है, लेकिन अंदर से ये देखें आप, ये कितना पका हुआ है यार। सारे पलंग के ऊपर जो है वो रल्ली बिछी हुई है भाई। इन्होंने ये जो है ना, ये क्यूब्स भी हमारे लिए बनाए हैं, और कांटे भी हैं, फोर्क भी हैं, लेकिन जो आम को खाने का असल मज़ा है भाई, वो इसी तरह फाँक से है। ये बिस्मिल्लाह करें भाई, अदील भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहद से ज़्यादा मीठा, इतना रसीला आम है, बहुत आला। और इसमें जो एक तुष्पन है सिंदड़ी में होता है स्पेशल, वो महसूस हो रहा है, बहुत ही मज़े की चीज। गर्मी है, आम ये ठंडे नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो टेस्ट है ना, हमें आदत होती है फ्रिज में ठंडा करके खाने की, लेकिन दरख्त से उतरे हुए आम की जो बात है वो अलग ही है। यहाँ पे जो है ना, ये पेटियाँ बन रही हैं, पेटियाँ तैयार भी हो रही हैं और पेटियाँ पैक भी हो रही हैं। ये आम यहाँ तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों फेंक रहा है ये? टूट जाते हैं, कोशिश कर रहा है।
हाँ क्या कैच पकड़ रहा बच्चा ये, तुम्हें तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए भाई, इतनी जोर से क्यों फेंकते हैं? जोर से उसको होशियार करते हैं ना, फेंकते हैं तो पकड़ लेगा ऐसे। अच्छा होशियार नहीं कर टूट जाएगा। अच्छा नीचे गिर के फट जाएगा। वाह यार वाह, क्या नाम है तुम्हारा? विनेश। विनेश टाइट, तुम कैच पकड़ते हो यार, तुम्हें तो पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। विनेश मैं एक पकड़ के देखूं हैं भैया, देख के यार। अभी हम नए हैं, अभी ट्रेनिंग हो रही है यार, हमारी ट्रेनिंग हो रही है अभी। चलो ये जोर से हाँ, एक जोर से फेंक रहा। विनेश विनेश की तरह करूंगा। ओ तेरी, अरे भाई ये भाई विनेश का जो काम है ना, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन ये आवाज चेक करो भाई, बहुत जबरदस्त। ये भाई ये दरख्त से तोड़ तोड़ के आम लाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये तो बहुत ही जबरदस्त सीन बना हुआ है। और यहाँ पे ये आम की छाटी हो रही है, छोटे अलग कर रहे हैं, बड़े अलग कर रहे हैं। ये एक नंबर है, ये दो नंबर है। अच्छा ये एक नंबर है, ये दो नंबर है। ये जो है ये साइज के अंदर बड़ा है, ये एक नंबर आम है, और ये साइज में थोड़ा सा छोटा है, ये दो नंबर आम है। इनको अलग अलग पेटियों में रखते हैं, एक नंबर क्वालिटी। गिफ्ट है ये, सुपर है। गिफ्ट जी हाँ। तो ये यहाँ पाकिस्तान में रहता है, बाहर जाता है? बाहर जाता है। तो ये गिफ्ट नाम रखा है इसका, वाह गिफ्ट है इसका, सुपर गिफ्ट, मतलब ये तो तोहफा है ये। वाह 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 वाह। ये कारपेट क्या होता है? कलर के लिए होता है। ये पुड़ियाँ होती हैं, ये केमिकल होता है कोई? जी, जी, केमिकल होता है, ये पका देता है हमको, लाल कर देता है। अच्छा ये येलो कर देता है इसको, मीठा भी कर देता है, पक जाते हैं ना हम इसके अंदर। पाल लग रही है ये ऊपर डालते हैं नीचे डालते हैं? अच्छा ऊपर डाला ये, और ये बंद कर दिए भाई। ये देखें आपकी यहाँ पे ये असल हार्वेस्टिंग जो है ना, वो यहाँ पे अभी नज़र आई है हमको, और आम तोड़ तोड़ के लाए जा रहे हैं काफ़ी सारे, तकरीबन 40-50 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। जयराम भाई जो है वो यहाँ पे ये सारे मामला देख रहे हैं, तकरीबन 40-50 लोग जो है वो आम का ये सीन कर रहे हैं, और इतनी मेहनत के बाद ये आम हम तक पहुँचता है। कितने लोगों की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है? 50-60 बंदे यहाँ हैं, फिर ये मंडी में जाएगा, मंडी से फिर ये मार्केट में जाएगा, मार्केट से फिर हम खरीदेंगे, फिर हमारे पास आएगा। तो ये जयराम भाई और इन जैसे सारे हमारे मेहनत के भाइयों की मेहनत होती है, जिसकी वजह से ये मज़े मज़े की चीज़ें हम खाते हैं। ज़बरदस्त ये कारपेट वारपेट डाला, उसको सब रख दिया, इसके बाद फिर ये VIP के स्टिकर इसके ऊपर लगाए जाते हैं। भाई आपका नाम क्या है भाईजन? अल्ताफ है। अल्ताफ अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई जो है वो आमों की सजावट कर रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे बहुत लंबी एक चेन बनी हुई है, वहाँ से वो आम तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, वहाँ पे ये आम ढेर कर रहे हैं, यहाँ से इनकी सॉर्टिंग हो रही है सुपर और गिफ्ट की। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये इसको स्टिकर लगाते हैं, स्टिकर लगाने के बाद पेटियों के ऊपर उनका ये कवर रखा जाता है, और उसके बाद फिर ये उसके ऊपर कील लगा दी जाती है, और कील लगाने के बाद ये नंबर भी लिख रहे हो तुम, ये नंबर किस चीज़ के? लाट लगाना पड़ता है। क्या मतलब लाट? लाट में जैसे पता चले गिनती में आ जाए। अच्छा गिनती में आ जाए कितनी पेटियाँ गई हैं कितनी नहीं गई हैं। क्या सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है भाई, माशाल्लाह। ये पका हुआ आम से? अच्छा ये दरख्त का पका हुआ है? दरख्त का पका हुआ, दरख्त में ही पक गया। अच्छा ये हमारे लिए गिफ्ट है? ये भी गिफ्ट है। अच्छा 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 जबरदस्त भाई, थैंक यू। स्पेशली भाई हमारे लिए खाना आया है, खास गांव का जो स्पेशल खाना होता है। अदील भाई बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, ये देसी खाना जो होता है ना। सब भाई आप बताएंगे कि क्या चीज़ कौन कौन सी है? ये मक्खन है, ये चावल की रोटी है। अच्छा ये चावल की रोटी है जी हाँ। ये साग है सरसों का जी हाँ। ओहो हो सरसों का साग। ये वो है, ये ग्वार है, ग्वार की फली। ये माखी है, शहद जी हाँ। ये भिंडी है, भिंडी। ये अचार है, ये इसका बना हुआ अचार है, देसी। अच्छा देसी आम का, छोटे आम का, छोटे आम का बना, अभी ये तो लाल हो गई, ये इसका ये बना हुआ। ये आंबे, ये क्या है? ये मुर्गी है। खालिस शहद, खालिस मक्खन, सब्जी, चावल और गंदम की स्पेशल रोटी, और आम के बाग का ये मंजर, ये माहौल, और उसके अंदर ये हमारे जो है ना ये आम भी हमारे पास रखे हुए हैं। तो असद भाई, अदील भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह सीन हो गया ये, और बिस्मिल्लाह करते हैं मेरे ख्याल में
इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। और थोड़ा सा हम ये साग निकालेंगे भाई, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो हैं। ये साथ में इन्होंने कहा है कि मक्खन रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, मक्खन इनके पास। चावल की रोटी मैं मेरे लिए नई चीज़ है, मैं भी कहूँगा। तो चावल की रोटी हम डिफरेंट तरह की है ये, साग और चावल की रोटी से हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भी इन्होंने आते हुए बताया था कि यहाँ पे जो भी चीज़ बनती है वो लकड़ियों के ऊपर बनती है, खुशबू उसकी अलग होती है, उसका जायका अलग होता है, और वो ऑर्गेनिक बहुत ही ज़बरदस्त गवार की फली, इसको भी चेक करते हैं साथ ही साथ। ये है गवार की फली, ये गवार की फली हम ट्राई करेंगे भाई ये गंदम की रोटी के साथ। गवार की फली के अंदर थोड़ा सा मसाला है, जो साग था वो थोड़ा सिंपल था, उसके अंदर इतने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं थे, लेकिन गवार की फली के अंदर थोड़े से मिर्च मसाले, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी टच आ रहा है। ये भिंडी की भुजिया टेस्ट करें अदील भाई। अजीब भाई, इसको आप किसे ट्राई करेंगे, भिंडी को चावल की रोटी से या गंदम की? गंदम की रोटी से करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही मसालेदार भिंडी की भुजिया है, बहुत चटपटी सी, बहुत ही लजीज। अभी इन सारी चीज़ों के अंदर मुझे सबसे अच्छी, मैं आपको बड़ी मजे बताऊँ, मैं भिंडी बिल्कुल नहीं खाता, मुझे इतनी पसंद आई, मैं भिंडी नहीं खाता। आम के बाग में बैठे हो और आम का अचार ना हो, और वो भी इस आम का, देसी आम का अचार, देसी आम का अचार। ये देखिए आम का अचार, और देसी तरीके से खा रहे हैं। हाँ, देसी तरीके से खा रहे हैं। ये देखिए भाई, हाय हाय हाय, किचड़ किचड़ आवाज आ रही है, खटास महसूस हो रही है मुझे। सरसों के तेल में बना हुआ आम है। हाँ, सरसों के तेल में, और सरसों की जो खुशबू आई है और आम की खटास, जो ये आपके च्यूइंग करते हुए खट्टापन मुझे महसूस हो रहा है। जो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ ही गया होगा यकीनन। असल भाई, शहद जो है वो हम किस रोटी से खाएं? शहद चावल की रोटी से खाओ, मक्खन शहद आपस में मिला के खाओ, मक्खन शहद आपस में मिला के खाएं चावल की रोटी से। ये दरख्तों से निकला हुआ शहद है ये भी भाई, ये वो शहद नहीं है जो बोतलों में बाजार में मिलता है, ये वो नहीं है भाई। और ये दूसरा जो मक्खन है ये हम इसके अंदर मिलाएंगे और इसको खाएंगे चावल की रोटी से। डिफरेंट ही टेस्ट में है ये तो, चीज़ ही ऐसी है ना ये तो, मतलब हमने तो कभी देसी मक्खन, खालिस शहद और चावल की रोटी ज़िंदगी में नहीं खाई। अल्लाह ताला ने हमें आज इन्हें नसीब फरमाई है। और शहद का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है, तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर रहें तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और शुक्र अदा करते रहें तो उम्मीद है आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कि ये जो आम है ना, इसको फलों का बादशाह ऐसा ही नहीं कहते, इसको इसलिए भी कहते हैं कि आम से रोटी भी खाई जाती है। बिल्कुल, ये आम का क्यूब आप लें और उसमें गंदम की रोटी। ये नमकीन लस्सी है भाई, नमकीन लस्सी, इसको कहते हैं छाछ वाली लस्सी। जी, ये छाछ की वाली लस्सी कहलाती है भाई, जो गांव देहात में मिलती है, हमें शहर में नहीं मिलती। ये एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ है आज, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, और ख़ास तौर पे इस आम के बाग के अंदर मज़ा आ गया। हम खाना फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये जज़ाकअल्लाह भाई, ये सिंध की सकाफत है, मेहमान आते हैं तो उनको ये अजरक पेश की जाती है। थैंक यू सो मच। कराची से आए हैं यहाँ पे, क्या आमों के लिए आए हैं? बकरों के लिए आए थे, बकरों के लिए। भाई हमारे सारे भाई लोग जो हैं ये मुझे देख के ज़रा रुके हैं तस्वीर के लिए, ये आए हैं टंडोला यार, बकरों के लिए, बकरों के लिए, लेकिन आमों का भी सीन ऑन हो गया है, पहले तस्वीर लेते हैं। थैंक यू। अब हम पहुंच गए हैं भाई औताक में, और औताक जो है ना वो ये ज़बरदस्ती एक हट स्टाइल का बना हुआ है, लेकिन हम बैठेंगे बाहर सर
चारपाइयों के ऊपर। और आशिक भाई ने और असद भाई ने बनवाई है स्पेशल थी चाय। और सबसे जो ज़्यादा मज़ेदार सीन था ना, वो जो दरख्तों से आम तोड़ते हुए हमने देखे हैं, तो भाई अलग ही माहौल था वो। चाय आ गई है भाई, चाय आ गई है। चाय के ऊपर अख्ताम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शुरुआत भी हमारी चाय से हुई थी सुबह नाश्ते में, और अख्ताम भी जो है वो भाई बड़े ज़बरदस्त है। आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना गाय इनकी अपनी है, तो खालिस दूध की चाय है भैया सब भाई। लकड़ियों पे बनी हुई खालिस दूध की चाय। ये जो खालिस चीज़ें होती हैं ना, इनका हर चीज़ का जायका अलग ही होता है, और चाय का भी नो डाउट ज़बरदस्त टेस्ट है। और इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम हुआ। थोड़ी डिफरेंट वीडियो थी ये, विलेज लाइफ हमने देखी, और ये सारी जो अरेंजमेंट थी ये हमारे दोस्त अदील ने की थी। इनके दोस्त यहाँ पे होते हैं, इनके बागात हैं, और इनका चैनल मैं बता चुका हूँ, अदील द टूरिस्ट है। इनको भी जाइए चेक करिए, बहुत घूमते फिरते रहते हैं माशाल्लाह से। और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, नेक्स्ट एडवेंचर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।